पावर ऑन करने के लिए, प्रोग्राम लगाने के लिए और स्टार्ट और पॉज करने के लिए, ठीक है। जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम आ जाता है P1, P1 में 10 कपड़े, P2 में 15 कपड़े, ठीक है, P3 में डेलिकेट नए कपड़े, इसमें मशीन पानी हाई लेती है तो उसमें से आपके हिसाब से डाल सकते हो, P4 ओनली वाइट कपड़े, वाइट कपड़ों में पानी गर्म लग जाता है ऑटोमेटिक। 1-2 में इस बटन से लगाना पड़ता है, ठीक है, लगाने से पहले लगाना है, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। 4 में गर्म पानी लग जाता है, 5 में स्टेन वॉश, गंदे वाले ज़्यादा कपड़े, तेल ओली वाले 5 नंबर पे, इसमें भी 6 कपड़े रहेंगे, ग्रीस वाले 5 में आता है ना, ग्रीस व्रीस लगा होता है, हाँ 5 नंबर पे लोग इसमें सर मांगेगी तो एक्स्ट्रा मांग लेंगे। P6 एंटी बैक्टीरिया मरीज वाले कपड़े, इसमें भी 6 कपड़े रहेंगे, 4, 5, 6 में 6 कपड़े और गर्म पानी रहेगा ही रहेगा, हटेगा नहीं इसमें, ठीक है। 7 में बुलंस स्वेटर वगैरह रही है, 7-8 स्वेटर एक साथ डाल के चला सकते हैं। अच्छा, 5 बेड सीट, 3 बेड सीट एक साथ डाल के चला सकते हो, बेड सीट डबल की और सिंगल की दो रहे तो 5, सबको अपने कपड़े के अनुसार अलग अलग चलाना है, कपड़ों के मिक्स साथ नहीं चलाना है, ठीक है। P9 इको वास, 1 दिन से लेकर 2 साल के बच्चों के कपड़े, ये बेड बिल्कुल गंदे कम वाले कपड़े, उसमें पानी में निकालना है तो इसमें पानी हमेशा हाई लेगी फुल। अच्छा मिक्स, ठीक है। P1 से लेके P9 तक सॉक वॉश रेंस ड्राई सारा काम कर लेगी मशीन। 10 में जैसे आपने कपड़े बाहर वॉश कर लिया, अब इसमें साबुन को पानी खंगालना और सुखाना हो तो 10 लगा लो, सुखाना हो तो 11 नंबर लगा लो, ओनली ड्राई। P12 एक बार स्टोर, कपड़े डाल दो, सर्फ डाल दो, मशीन पानी लेके बंद रहेगी, इसमें मशीन चलेगी जैसे बाल्टी में गड़ा के छोड़ते हैं वैसे। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ गया 1 नंबर पे, ठीक है, मैं स्टार्ट कर दी मशीन। कितनी देर में स्टार्ट हो गया आपका कपड़ों का वेट लेगी, फिर उस हिसाब से बताएगी सर्फ कितना डालना है क्या है जो भी सब बताएगी, 40 सेकंड का वेट लेती है फिर बता देगी ऑटोमेटिक। हाँ, क्या बताए, 1 कप सरफ, 1 कप हाँ एड 1 कप तो 50 ग्राम का 1 कप सरफ आता है, वहाँ के आपको इसमें डालना है, ठीक है, क्या डालना है, 45 मिनट लगेगी इसमें डालना है। सरफ एक्सेल यूज में मत लेना, एक वैसे यूज में लेना, सरफ एक्सेल क्यों नहीं, ये जमेगा मशीन में जमता है सबसे ज़्यादा सरफ एक्सेल, हाँ शुरू शुरू तो कपड़े साफ करता है बढ़िया, फिर बाद में जमने के बाद में कपड़े साफ करने डाउन हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, 45 मिनट लगी, ये पॉज कर दिया। अच्छा, अगर गर्म पानी लगा रहे हो वह हल्का गर्म पे तो 1 घंटा 4 मिनट, ज़्यादा गर्म पे 1 घंटा 23 मिनट, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ जाएगा। वाटर लेवल लो पे तो 45 मिनट, मीडियम पे 57 मिनट, हाई पे 58 मिनट, मैक्स पे भी 58 मिनट रहेगा, ठीक है। यार डैश हार्ड वाटर, खारा पानी नमकीन पानी आता हो तो लगाना है, आता है ना, नहीं आता तो स्टार्ट करने से पहले ये बटन लगा सकते हो। अच्छा ठीक है, एक्सप्रेस वॉश आपके 45 मिनट दे रहा है कम से कम, और आप बोल दो रहे हैं भाई इतना गंदा नहीं है जल्दी निकलना है, ये लगा दो 15 मिनट कम कर देगा, और वही कपड़े डाल दें इसमें जो बिल्कुल गंदे कम हो। ये डेली में इसमें इसे डेली में होता है 3 घंटे से लेके आप इसमें 24 घंटे का टाइम दे सकते हो, जैसे मैंने 7 घंटे का टाइम लगा दिया स्टार्ट कर दी तो मशीन 7 घंटे बाद ही चलेगी, उससे पहले नहीं चलेगी, टाइमर लगेगा, हाँ टाइमर लगेगा नहीं, ये बाद में चलाने का तरीका है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी बाद में जिसने आपने 5 घंटे लग के बाहर लगाया ना तो 5 घंटे का टाइम दे दो इसमें और स्टार्ट कर दो, 5 घंटे बाद ही चलेगी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे आपने स्टार्ट कर दी मशीन, आपने बीच में खोल लिया तो ये पोज हो जाएगी, तो वापस आपको हमेशा स्टार्ट बटन दबाना है, फिर वो वापस इसमें स्टार्ट, इसमें पोज नहीं हो रही, इसमें कुछ नहीं करना, हो गया वीडियो बंद कर लो।